जी अस्सलाम वालेकुम, यादी मदद तमाम देखने वालों को, मेरे दोस्तों को। आज हम बना रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, नौवां मुहर्रम है। तो आज हम मौला हुसैन और मौला गाजी अब्बास अजमदार के नाम का लंगर बना रहे हैं। वाइट बिरयानी 10 किलो की, 10 किलो चिकन की वाइट बिरयानी और चीनियन राइस। तो आए मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल देखते रहिएगा, हाथ क्या डालूंगा हर चीज़, और इंशाल्लाह ताला खुद बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं बाहर बनाने। तो चले आए बनाते हैं वाइट बिरयानी 10 किलो। सही जी, तकरीबन 15 किलो हमने पानी ले लिया। ये हमारे बादियान के फूल, उसके अपना तेज पात, 7-8 तेज पात डाल देंगे। और देखें, ये है गरम मसाला, तकरीबन 25 ग्राम डाल सकते हैं आप, 25 भी डाल सकते हैं, 50 भी डाल सकते हैं। इसमें तमाम है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ये 10 से 12 तक छोटी इलायचियाँ, बहुत प्यारा टेस्ट लाएगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ, और थोड़ी सी हम बचा देंगे सौंफ, बाकी मैं आपको हाथ क्या दिखाऊँगा। नमक आ गया हमारा, तकरीबन 200 ग्राम नमक डालेंगे हम उसके अंदर। उसमें ये आ गया हमारा केवड़ा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब केवड़ा जाएगा। तब मिक्स करेंगे, ये हमने ले लिए थे 10 किलो चावल, तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया था। सही है, ये जा रहा है, इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2 से 3 घंटे कायनात सेला एक नंबर, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो। ताकि हमें पानी फेंक के पी, फुल आंच पे इसको पकाना है हमने 5 से 10 मिनट। मैं दिखा दूंगा आपको कि किस कंडीशन में चावल निकालना है, इस कंडीशन में आपने चावल निकालना है, और आधा चावल निकालेंगे थोड़ा इसको पकाना, और आधा निकालेंगे थोड़ा, ये जाएगा नीचे और जो थोड़ा पका हुआ होगा वो आएगा ऊपर। इस तरह का भी अगर आप निकाल लेते हो कोई मसला नहीं, दम जब चढ़ाएंगे हम थोड़ा देर तक चढ़ाएंगे तो फिर वो सेट हो जाता है। चले इसको हम निकालते हैं और फिर आप हम निकाल रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही जी, 1 किलो का पैकेट है, 3 पाव के करीब ऑयल डाल दिया और 1 पाव बचा दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट आ जाएगा हमारा, तकरीबन 200 ग्राम। दो सौ ग्राम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, डालने के बाद देखिए ये हरा कच्चा टमाटर, क्योंकि इसके अंदर लाल टमाटर नहीं डालता, कच्चा अगर लाल डालेंगे तो उसका रंग बदल जाएगा, तो इसलिए कच्चा 1.5 किलो दे दिया। ये आ गया हमारा हरी मिर्चों का पेस्ट, लाल मिर्चें इसमें नहीं डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये देखें जी, तकरीबन
100 ग्राम जीरा और आधा पाव के करीब है हमारा आलू बुखारा और 4 से 5 अदद नींबू। तकरीबन 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ की जोड़ लगा दूंगी। अच्छा जी, कच्चा टमाटर थोड़ा सख्त होगा इसलिए इसको हम थोड़ा सा ढकेंगे और तो उसके बाद आएंगे हम ताकि टमाटर आपका थोड़ा नरम हो जाए। जब तक इसको टमाटर नरम हो जाता है फिर दूसरी चीज़ें देगा। अरे दो सही, ये मुर्गी ऐड हो रही है इसके अंदर। दस किलो पूरी मुर्गी डाल दी हमने। चमक जाएगा। अभी 5 टेबल स्पून डाल रहे हैं क्योंकि चावल के अंदर भी नमक कम आए। ठीक है, यानी सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 5 टेबल स्पून। काली मिर्च 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून काली मिर्च, 100 ग्राम धनिया पाउडर तकरीबन 100 ग्राम और ये देखिए जी, पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला हमने चावलों में ऐड किया था। कोरमे में ये डलेगा 1, 3, 4 टेबल स्पून। सही जी, हो गया 100 ग्राम हमारा धनिया पाउडर। तो ढक दे तकरीबन 5 से 10 मिनट, चिकन अपना पानी छोड़ दे, फिर हम दूसरा पानी डाले। 5 से 10 मिनट इसको पकाने के बाद थोड़ा सा केवड़ा हल्के जरूर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और इसको हम करेंगे मिक्स। सही है, वहां से लेके आए पानी, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना, ये हम डाल देंगे। और इसके अंदर कड़ी पत्ता है, 1 गड्डी कड़ी पत्ते की है, 2 गड्डी धनिया की है, 2 गड्डी पुदीने की है। ओके जी, ये देखिए जो एक पाव हमने ऑयल बचाया है।
हुआ ये हमारा तला हुआ प्याज तकरीबन एक पाव के को। डाल दो चीजें पिटा डाल। अच्छा जी अब इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तेज आंच पर पकाने के बाद इसको दम पे चढ़ा दिया। सही जी 5 मिनट हमने जलाया तेज आंच पर बिल्कुल स्लो करके उसको दम पे चढ़ा दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद आते हैं फिर आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट उसको दम पे चढ़ा दिया। हम निकालते हैं उसको बिल्कुल मिल जाएगा हमारे तो ये मैं आज सारी आपके सामने इसको मिक्स करते हैं। जबरदस्त सही जी देखें माशाल्लाह आपकी वाइट बिरयानी तैयार है। अब आपने बनानी है और लंगर नियाज मौला गाजी अब्बास अलम दाद हुसैन के नाम की करनी है। तो इसके साथ ही यार ने मदद और पाकिस्तान जिंदाबाद।